एक घर में खुलेआम बेखौफ घुसने वाले ये शख्स परिवार के सदस्य नहीं बल्कि बदमाश है, जो कि लूट के इरादे से उन्नाव के इत्र कारोबारी के घर में दाखिल हुए। इसके बाद पूरे परिवार को बंदी बनाया और करीब 50 लाख रुपए की लूट को अंजाम दिया। हैरानी की बात यह है कि घटनास्थल से केवल 500 मीटर की दूरी पर यूपी 112 डायल पुलिस खड़ी थी, लेकिन पुलिस को इस घटना की खबर तक नहीं लगी और बदमाश फरार हो गए। यही नहीं, घटना के बाद जब परिवार ने पुलिस को सूचना देने का प्रयास किया तो पुलिस की तरफ से फोन ही नहीं उठा। मीडिया से बातचीत करते हुए पीड़ित ने पूरी कहानी बयां की। हमारे यहाँ रात में डकैती पड़ी, एक करीब 10-12 बदमाश घुसे हैं घर में, दरवाजा तोड़ के बाहर सीसीटीवी कैमरे में कैद है उनकी तस्वीर। क्या घटना का अंजाम दिया, किस तरीके से? हम लोगों को सबको किडनैप करके कमरे में लॉक कर दिया। एक बदमाश हथियार लेके हम लोगों को रखाए रहा, बोलता रहा कि अगर आपने आवाज़ लगाई या शोर मचाया तो सबको हम गोली मार देंगे, हमें चाबियां दे दो और हम जो अपना काम कर रहे हैं हमको करने दो, हमारे काम में डिस्टर्ब मत करना, अगर किया तो हम मार देंगे। और ये लोग अपने जो है अलवारियां तोड़ते रहे, सामान निकालते रहे सब। घर में चारों ओर बिखरा सामान, अस्त व्यस्त अलमारी। इन तस्वीरों को देखकर ही अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि घर में लूट हुई है। परिवार का कहना है कि वो इतने डरे और सहमे हुए थे कि उस वक्त कुछ भी ना कर सके। लेकिन अचंभे की बात यह है कि यूपी पुलिस के इतनी पास होने के बावजूद भी ये बदमाशों के हौसले बुलंद रहे। यही नहीं, घटना हो जाने के कई घंटों बाद पुलिस का कोई अता पता नहीं था। परिवार ने लगातार कई कॉल्स किए, लेकिन जब संपर्क नहीं हो सका तो मजबूरन उन्हें कोतवाली जाना पड़ा। कन्नौज के रिहायशी इलाके यूसुफपुर भगवान में हुई ये घटना वाकई डरा देने वाली है। इन घटनाओं के चलते पुलिस प्रशासन की काबिलियत पर भी सवाल उठते हैं। घटना के बाद जब तड़के पुलिस को इस मामले की जानकारी मिली तो उनकी एक टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने बदमाशों की तलाश की, लेकिन कोई सुराग हाथ नहीं लगा। इसके बाद IG और फोरेंसिक लैब टीम भी मौके पर पहुंची और इस मामले की जांच में जुट गई। सांसद सुब्रत पाठक ने परिवार को जल्द घटना के खुलासे का भरोसा दिलाया है। We'll be right back.